जैम्बिया की लुआंगवा वैली में आसपास रहने वाले दो प्राइड इस इलाके पर अपना कब्जा ठोक रहे हैं। कभी ताकतवर रहे एमके प्राइड के सदस्यों की संख्या अब भी बढ़ रही है और हॉलीवुड प्राइड की मादाओं को अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए ब्रीड करना होगा। इन दोनों ही झुंडों का सामना नोमैड से है। ये ऐसे खानाबदोश नर हैं जो अपने लिए नया इलाका ढूंढ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स नेथन पिल्चर और सैम डेविस इस एक्शन के बीच में हैं। वो यही आ रहे हैं। ये हर जीत और हर त्रासदी के गवाह बनेंगे। क्या ये दो प्राइड बाधाओं को पार करके अपनी जिंदगियों की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर सकेंगे? बिग कैट कंट्री। अक्टूबर का महीना है और लुआंगवा में 6 महीने से एक बूंद बारिश नहीं हुई है। तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका है। इन चरम हालात की वजह से मौत हर कहीं दिख रही है। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर सैम डेविस और नेथन पिल्चर को भी ये गर्मी सता रही है। आप देख सकती हैं यहाँ जानवरों को वाकई जूझना पड़ रहा है। इनके लिए यहाँ जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल है। इतनी गर्मी, ना खाना है ना पानी है, और हमारा भी यही हाल है, इसलिए हमारा दिमाग भी थोड़ा घूम रहा है। ठीक से सोच नहीं पा रही हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो मैं अपने चेहरे को बचा रही हूँ। लेकिन दक्षिण में एमके प्राइड फल फूल रहा है। उन्होंने अपनी जमीन से नोमैड्स को निकाल दिया है और वो सूखे के इस मौसम से जुड़ी तकलीफों का पूरा फायदा उठा रहे हैं। 15 शेरों वाला ये शिकार दल पानी के एकमात्र भरोसेमंद स्रोत के पास घास में पोजीशन लिए हुए है और इसके कई किलोमीटर के दायरे में पानी नहीं है। यह है लुआंगवा रिवर। घटते पानी की वजह से प्यासे शिकार इसकी तरफ आते हैं। ये शेरों के लिए किसी भरपेट दावत जैसे हालात हैं। आज सुबह इनका टारगेट 200 मीटर दूर है। केप बफलो का 100 सदस्यों वाला एक बड़ा झुंड, लेकिन शेरों को खुले में हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। बफलो इनके पास से गुजर कर ही आगे बढ़ेंगे जब ये अपनी प्यास बुझा चुके होंगे। इस प्राइड की सबसे अनुभवी शेर ने सोराबी इन्हें बहुत ध्यान से देख रही है। प्राइड इसके पीछे पीछे चलता है और पिछड़ गए एक बफलो को घेर लेता है। सबसे कम उम्र की शेरनी मेया इन जानलेवा सींगों के रास्ते में है। ये ध्यान भटकाने का एक खतरनाक तरीका है। इस कंफ्यूजन को और बढ़ाने के लिए सोराबी इनकी तरफ दौड़ने लगती है और प्राइड इन्हें घेरने लगते हैं। एमके प्राइड के शेर आज भरपेट खाएंगे। एक हफ्ते में बारिश शुरू हो जाएगी और इनके प्राइड वाले इलाके में हालात काफी बदल जाएंगे। घास वाली जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी
पानी के पोखर भी भर जाएंगे और शिकार पूरी वादी में फैल जाएंगे। नेथन और सैम को इस पार्क में 3 महीने हो गए हैं और अब उनका भी समय यहां खत्म हो रहा है। घाटी में जब बारिश का पानी भर जाता है तो शेरों का पीछा करना नामुमकिन हो जाता है, इसलिए क्रू को यहां से जाना पड़ता है। इन्होंने एमके प्राइड में फिर से जान पड़ते देखा है, लेकिन शायद नेथन और सैम को एमके प्राइड का सुखांत देखने को ना मिले। आधे टन के इस बफलो ने मरने से पहले काफी संघर्ष किया। सोराबी को एक बड़ा घाव हो गया है उसकी पिछली जांग पर। ऐसा लगता है कि किसी बफेलो के सिंह ने इसकी टांग को फाड़ दिया है। मांस का एक बड़ा टुकड़ा साइड में लटक रहा है। बस उम्मीद करता हूं ये ठीक हो जाएगी। ये घाव गंभीर हो सकता है और ये शायद इससे बुरे समय पर नहीं आ सकता था। बारिश के बाद वन्य जीव नदी से दूर चले जाएंगे। तो शेरों को या तो उनका पीछा करना होगा या भूखे मरना होगा। अगर सोराबी अपने परिवार के साथ नहीं चल पाई तो उसके लिए मुश्किल होगी। अपने बेहतरीन शिकारी की गैर मौजूदगी में एमके प्राइड ज्यादा समय तक टॉप पर नहीं रह पाएगा। इस बीच पड़ोस के प्राइड के इलाके में सैम हाल ही में आए कुछ घुसपैठियों को ढूंढ रही हैं। हॉलीवुड की शेरनियां सुदूर उत्तर में फंसी हुई हैं और हाल ही में कुछ अजीबोगरीब शेर कैंप के नजदीक दिखे हैं। सैम को यहां कुछ शेर नजर आते हैं, लेकिन ये घुसपैठिए नहीं हैं। वो तो शायद आगे बढ़ गए हैं। ये तो नोमैड्स हैं। हमें अभी 4 नोमैड्स नजर आए हैं और वो हमारे कैंप के काफी नजदीक हैं। हमारा कैंप यहीं पास में है और हम फिलहाल उन पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि कुछ ज़ेब्रा और कुछ वाटरबक यहाँ से गुजर रहे हैं। ये उन्हें देख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन्हें इनका शिकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये नर जब यहाँ आए थे तो इन्होंने मादाओं वाले हॉलीवुड प्राइड पर हमला किया था, लेकिन हाल ही में नोमैड्स की नजर नदी पार मौजूद फीमेल्स पर बराबर बनी रही है। उन्होंने ऐसे लक्षण दिखाए हैं जैसे वो हॉलीवुड मादाओं के साथ मिलन करना चाहते हों। ऐसा लग रहा है कि फिलहाल उनका सारा ध्यान सिर्फ मादाओं पर ही है, तो इसका मतलब है कि इनके बीच फिर से संपर्क बनेगा और हॉलीवुड की मादाएं नोमैड्स को स्वीकार कर लेंगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इन मादाओं को और उत्तर की तरफ धकेल दें। हॉलीवुड प्राइड की सभी 6 मादाएं इनके मेल की हैं। ये सभी सेक्सुअली मैच्योर हैं, लेकिन इनमें से किसी के भी 3 साल में बच्चे नहीं हुए हैं। अगर ये नर तमीज से पेश आए तो इन 6 मादाओं से मिलने के बाद एक ताकतवर वंश की शुरुआत हो सकती है। अब समय आ गया है कि ये मादाएं उत्तर में अपने वनवास को खत्म करें और घर लौटें। झुंड की सबसे बड़ी मादा एवा अपनी फैमिली को दक्षिण की ओर नोमैड्स के साथ आर पार का फैसला करने के लिए ले जा रही है। इधर एमके के इलाके में माँ रोजा और ज्यूरी अपने 5 बच्चों को नदी के करीब छिपा रही हैं। बच्चे अब 4.5 महीने के हो गए हैं और इनकी शरारतें अब बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल इन 5 बच्चों के लिए ये दौर खतरनाक है क्योंकि इनकी उम्र ऐसी है जब ये इधर उधर घूमने और एक्सप्लोर करने लगे हैं। इनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है और 5 बच्चों की देखभाल करना आसान नहीं है। ये इन माओं के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है।
बच्चों को पहले ही पूरे एमके प्राइड से मिलवा दिया जाना चाहिए था, लेकिन घबराई हुई माएं रोजा और ज्यूरी झुंड के सदस्यों की इनसे मिलने की कोशिशों को रोकती आई है, तो इन दो माओं को शिकार भी और बच्चों की देखरेख भी खुद ही करनी पड़ रही है। बच्चे अभी और 4 महीने तक दूध पीना नहीं छोड़ेंगे, तो इन्हें ज्यादातर पोषण अब भी अपनी मां के दूध से ही मिलता है। थकी हुई रोजा और ज्यूरी झपकी ले रही हैं, और इस बीच स्पॉटी को झाड़ियों में कुछ हिलने डुलने की आवाज आती है। ये शरारती बच्चा खुद को इसकी खोजबीन करने से रोक नहीं पाता, और इसे सावधान रहना होगा। कोई तेंदुआ बड़ी आसानी से शेर के किसी बच्चे को मार सकता है। ये मुकाबले को खत्म करने का बड़ा आसान सा तरीका है। तो स्पॉटी फिलहाल सुरक्षित नहीं है। करीब 1 किलोमीटर दूर बाकी एमके प्राइड का पेट भरा हुआ है, और वो गर्मी से बचने की कोशिश कर रहा है। घायल सुराबी झुंड से थोड़ा अलग चली गई है। नेथन देख पा रहे हैं कि उसका घाव कितना गंभीर है। इसका घाव काफी गहरा है। इसके शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा लटक रहा है, तो जरा अंदाजा लगाइए कि अगर इसे इस हाल में चलना भी पड़े और खाने का इंतजाम भी करना पड़े तो कितनी तकलीफ होती होगी। सुराबी कमजोर हो गई है और दर्द में है। लेकिन वो इस मुश्किल में अकेली नहीं है। इसकी बेटी मेया नदी किनारे इसके पास पहुंच जाती है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों मादाओं के बीच का रिश्ता काफी गहरा है। ये मां और बेटी हैं। 9 साल की सुराबी ने कुछ बहुत ही चुनौतीपूर्ण हालातों में एमके प्राइड को बड़ी कामयाबी से गाइड किया है, लेकिन इस घाव की वजह से सारा खेल बिगड़ सकता है। जैसा हमने सोचा था, एमके प्राइड आखिरकार अपने कोर इलाके में लौट आया है और काफी रिलैक्स्ड लग रहा है। सुराबी को काफी गहरी चोट लगी है और शायद इसका झुंड पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रमुख शिकारी है। जाहिर है इसके इस घाव का भरना जरूरी है। झुंड को अपने अकलमंद लीडर की जरूरत है। सुबह हो गई है। नेथन फिर सुराबी और एमके प्राइड के पास लौट आए हैं, जो रात के अपने शिकार से ज्यादा दूर नहीं है। हम यहाँ नदी के किनारे एमके प्राइड के पास आए हैं। कल रात इन्होंने बफलों का शिकार किया था। यहाँ इस झुंड के कई शेर लेटे हुए हैं। सुराबी को अब भी दर्द हो रहा है, लेकिन नदी किनारे पर नजर डालने के बाद उनका ध्यान इस मादा के अलावा कोई और खींचता है। मुझे एक बच्चा वहां सामने नजर आ रहा है। शायद ये इनसे पहली बार मिल रहा है, और ये काफी अच्छी बात है। नेथन और सैम को 2 महीनों से इसका इंतजार था। लगता है अब ये बच्चे प्राइड से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जल्दी ही ये जोश चिंता में बदल जाता है। मुझे यहाँ सिर्फ एक ही बच्चा दिखाई दे रहा है, तो शायद हमें और आगे जाकर ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ ना तो बच्चे की माँ और ना ही उसके भाई बहनों का कोई नामो निशान है। ये बच्चा यहां शायद अकेला ही है। शायद ये स्पॉटी ही होगा जो बाकी सबसे ज्यादा एडवेंचरस है, और शायद हम पहली बार बच्चों को
बाकी प्राइड के साथ देख रहे हैं, तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इनके बीच किस तरह का बर्ताव होता है। मुझे बाकी के बच्चे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, हो सकता है वो आसपास की झाड़ियों में छिपे हो, या फिर एक बार फिर ये स्पॉटी अकेले ही एडवेंचर पर निकल पड़ा हो। स्पॉटी को यहाँ बिना अपनी माँ के नहीं होना चाहिए। रोजा ने अभी तक उसे बाकी सबसे नहीं मिलवाया है, तो इसका प्राइड इसे नहीं जानता। स्पॉटी किसी जाने पहचाने चेहरे को ढूंढ रहा है। लेकिन इसे वो मिलता नहीं है। ये धीरे धीरे आवाज निकाल रहा है। शायद अब इसे चिंता होने लगी है कि इसकी माँ और भाई बहन कहाँ हैं। नेथन ये देखना चाहते हैं कि स्पॉटी के बड़ी उम्र के रिश्तेदार इससे कैसा बर्ताव करते हैं। ये कुछ सदस्यों से काफी अच्छे से मिल रहा है, लेकिन बाकियों को छोड़ता जा रहा है। मादाएं इससे बड़े प्यार से मिलती हैं। इसकी कजिन कम उम्र मेया बड़े प्यार से पेश आती है। लेकिन किशोर नर इसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कैशी सबसे बड़ी उम्र का किशोर है और ये पहला बच्चा है जिसे इसने देखा है। अब मामला थोड़ा बेकाबू होता जा रहा है। स्पॉटी भी काफी परेशान दिख रहा है और अपनी माँ को और अपने भाई बहनों को आवाज लगा रहा है। अभी अकेले ही नदी के किनारे पर यहाँ वहां भटक रहा है। लेकिन ये और ज्यादा खतरे की तरफ बढ़ रहा है। यहां छोड़ दिए गए बफलों के पिंजर की तरफ हाइना आकर्षित हो रहे हैं। मैं इस अकेले बच्चे को यहाँ घूमता देखकर फिक्रमंद होने लगा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ से कई हाइनास को आगे जाते देखा है और ये बच्चा सीधा शिकार की तरफ ही जा रहा है, जहाँ सिर्फ हाइनास हैं, शेर नहीं। अगर ये किसी हाइना को मिल गया तो ये मारा जाएगा। कोई हाइना शेर के किसी बच्चे को फौरन मार देता है। मैं बस दुआ करता हूँ कि इसकी माँ वहां पर हो, या फिर ये मुड़कर वापस आ जाए, क्योंकि इतने छोटे बच्चे का शिकारियों के बीच बचना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। नेथन बीच बचाव नहीं कर सकते और वो बस पॉटी को झाड़ियों में गायब होते देख रहे हैं। उत्तर में 12 किलोमीटर दूर हॉलीवुड प्राइड की 6 मादाएं फिर से अपने इलाके में आ गई हैं और वो अपने घर पर फिर से नियंत्रण पाना चाहती हैं। लेकिन नोमैड्स यहां इनका इंतजार कर रहे हैं। एवा और उसकी बहन जीना झाड़ियों की दूसरी तरफ मौजूद नरों को आंक रही हैं। 3 महीने पहले जब नोमैड्स ने हॉलीवुड प्राइड पर हमला किया था, उसके बाद से ये दोनों ग्रुप आज सबसे करीब हैं। लेकिन एवा कोई डर नहीं दिखा रही। ये बहादुरी से जीना के साथ आगे बढ़ती है। शायद इसके पास कोई प्लान है। ये फ्लर्टिंग का एक दुस्साहसी तरीका है। इस तरह से अपना पेट दिखाकर ये काफी जोखिम वाली स्थिति में है, लेकिन ये साफ है कि ये अनुभवी मादा जानती है कि नरों को कैसे लुभाया जाता है।
सबसे बड़ा नोमैड टाइटस अपने गंध चिन्ह छोड़ रहा है। इसकी मादाओं में दिलचस्पी है। एवा के इशारे के बाद जीना भी प्रमुख नोमैड थॉर पर जादू चलाने लगती है, लेकिन ये नखरे कर रही है। नोमैड हॉलीवुड की इन मादाओं के मदहोश कर देने वाले फेरोमोन्स के दीवाने हो गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हॉलीवुड मादाएं तैयार हों, वो ये जानना चाहेंगी कि क्या ये नर इनकी हिफाजत करेंगे और क्या काबिल पिता बन पाएंगे। मादाएं अभी अपने इस फ्लर्ट को स्थायी रिश्ते में नहीं बदलना चाहती। शाम होने जा रही है और एमके प्राइड के शेर अब भी किनारे पर हैं। नन्हा स्पॉटी कई घंटों से झाड़ियों में छिपा हुआ है। अब भी उसकी मां या उसके भाई बहनों का कोई नामो निशान नहीं है। अभी से उनसे अलग हुए पूरा दिन हो गया है। कभी कभार ये बच्चा धीमी आवाज में अपनी माँ को पुकारता है। इसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि ये दिन के बाकी हिस्से में भी इस झाड़ी में ही छुपा रहे। लेकिन स्पॉटी भूखा है। अपनी माँ रोजा के दूध के बिना इसके सामने डिहाइड्रेशन का खतरा है। प्यास की वजह से ये अपनी छिपने की जगह से निकल आता है और किशोर मिया के पास पहुंच जाता है। ये अपने छोटे कजिन की निगरानी करती है और स्पॉटी को आखिरकार पानी पीने को मिल ही जाता है। शायद इसे मिया अच्छी लगने लगी है। मिया भी इसे पसंद करने लगी है और दोनों खेल भी रहे हैं। इसे साथ भी मिल गया है और बचाव भी, लेकिन माया इसे दूध नहीं पिला सकती। इसे फौरन रोजा या जूरी की जरूरत है। दिन ढल जाता है और अब स्पॉटी को अपनी मां के बिना अपनी पहली रात बितानी होगी। अंधेरे के साथ नए किस्म के खतरे सर उठाने लगते हैं। इस समय शिकारी सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। घबराया हुआ स्पॉटी किनारे पर घायल सोराबी के पास बैठा रहता है। नदी के आसपास दहाड़ की आवाजें गूंज रही हैं। दूर से इलाके पर दावा जताया जा रहा है। प्राइड भी जवाब देता है। दूर से आ रही इन दहाड़ों से उत्तेजित होकर एमके प्राइड अपने इलाके की गश्त पर निकल जाता है। पर स्पॉटी दिल की आवाज सुनते हुए यहीं टिका रहता है। ये अपने प्राइड के लौटने का इंतजार करता है। लेकिन इसे एमके प्राइड लौटता नहीं दिखता। दरअसल हाइनास लौट आए हैं। ये नदी के किनारे पड़े हिप्पो के पिंजर के चंद टुकड़ों के पीछे हैं। स्पॉटी अपनी हिफाजत के लिए फौरन पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है,
ये डालियों में सिर्फ एक मीटर तक ही पहुंच पाता है। ये पूरी तरह पहुंच से बाहर नहीं है। आज की रात इसके लिए काफी लंबी साबित होगी। सुबह हो गई है। सैम स्पॉटी की आखिरी लोकेशन की ओर दक्षिण की तरफ जा रही हैं। नदी का किनारा शांत है। सैम झाड़ियों पर इस उम्मीद में नजर डालती हैं कि शायद स्पॉटी अब तक सही सलामत हो। ओ, एक मिनट, वो रहा, मुझे स्पॉटी दिख रहा है, वो झाड़ी के नीचे है। स्पॉटी जिंदा है लेकिन वो बड़ी मुश्किल में है। अब दूसरा दिन शुरू हो चुका है और स्पॉटी अब भी अकेला है। उसकी माँ कहीं नजर नहीं आ रही। इसके बाकी झुंड ने भी इसे अकेला छोड़ दिया है और ये वाकई बहुत अकेला लग रहा है। ये साफ है कि ये बहुत भूखा है। ये झाड़ियों में आवाज लगाता हुआ आता जाता रहा है। ये बहुत थका हुआ लग रहा है। इसकी रात का काफी हिस्सा अकेले और बाकी सबको ढूंढते हुए कटा है। हाँ, मुझे पीछे से शेरों की आवाज आ रही है और शायद स्पॉटी भी ये समझ गया है। ये भी आवाज लगाने लगा है। मुझे शेरनियाँ इस तरफ यानी नदी की साइड में आती नजर आ रही हैं और मुझे लगता है कि ये इसकी माँ होगी। अगर ये इसके प्राइड के सदस्य ना हुए तो इसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। स्पॉटी ने चलना शुरू कर दिया है। ओ गॉड, ये तो इनके पीछे पीछे जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ ये इसकी माँ ही होगी। ओके, स्पॉटी उन मादाओं के पास पहुंच रहा है जो पानी पीने लगी हैं। एक मादा अभी पानी पी रही है और ये उसी के पास जा रहा है। इसके निपल्स काफी बड़े दिख रहे हैं। हो सकता है ये दूध पिलाने वाली माँ हो। ओह नहीं, ये इसकी माँ नहीं हो सकती। शुक्र है कि ये इसकी एक आंट है जो इसके अचानक आने से हैरान हो गई थी। स्पॉटी काफी कंफ्यूज लग रहा है। यहाँ एमके प्राइड की कई शेरनियाँ मौजूद हैं। कुछ मादाएं इसे ग्रीट कर रही हैं। पक्के तौर पर तो नहीं कह सकती, पर शायद रोजा या जूरी भी यही होंगी। इसकी जांग पर बफेलो के शिकार के दौरान लगा घाव अब भी मौजूद है। मुझे नहीं लगता यहाँ इसकी माँ है। स्पॉटी को अब भी दूध नहीं मिला है, लेकिन कम से कम अपने प्राइड की हिफाजत में ये पानी तो पी सकता है। स्पॉटी इस वक्त पानी पी रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ बहुत गर्मी हो रही है और इसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। स्पॉटी फिर से अपनी फैमिली के पास लौट आया है, लेकिन ये उसे वो नहीं दे पा रहे जिसकी इसे सख्त जरूरत है। ऐसा लगता है कि स्पॉटी अपनी माँ से अलग एक और दिन गुजारेगा, यानी इसे खाने को नहीं मिलेगा। ये बहुत भूखा होगा। इसे आखिरी बार कुछ खाए 36 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। ये दूध ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सैम की उम्मीद अब घटती जा रही है। ये सब काफी निराशा भरा है। जब मैंने झाड़ियों में से हल्की आवाजें सुनी थी तो मुझे ये पूरी उम्मीद थी कि शायद माएं वापस लौट रही हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। स्पॉटी की हालत तेजी से बिगड़ रही है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ इंतजार ही कर सकता है।
नदी की धारा में कई किलोमीटर ऊपर नेथन हॉलीवुड ब्राइड को ढूंढ रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि नोमैड्स के साथ हालात कैसे चल रहे हैं। हमें शेरों की आवाज इस तरफ से आती सुनाई दे रही है और ये जगह हॉलीवुड के इलाके के ठीक बीचों बीच है, तो उम्मीद है कि ये हॉलीवुड प्राइड की ही आवाज होगी। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा, और अगर नोमैड्स भी उनके साथ है तो और भी अच्छा होगा। बारिश अब किसी भी समय आ सकती है, गर्मी बढ़ती जा रही है। आप महसूस कर सकते हैं कि माहौल बदल रहा है और बारिश की तैयारी हो रही है। हमारे पास भी अब ज्यादा समय नहीं बचा है। बारिश की वजह से शेर शिकार के पीछे पीछे और अंदर की तरफ जाने को मजबूर हो जाएंगे, तो ये पता लगाने का सीमित समय ही है कि क्या हॉलीवुड की शेरनियां नोमैड्स को अपने साथी के तौर पर अपनाती हैं। नेथन चक्कर लगाते गिद्धों के पीछे पीछे चलते हैं और उन्हें शेर एक शिकार के इर्द गिर्द मिलते हैं। आखिरकार हमें नोमैड्स मिल गए हैं और इनके साथ हॉलीवुड प्राइड की शेरनियां भी इस बफेलो को खा रही हैं। लगता है हॉलीवुड प्राइड की सभी 6 शेरनियां यही हैं। वो कॉलर वाली एवा है और शायद शिकार के साथ जीना है, नरों के साथ। जब पिछली बार हॉलीवुड और नोमैड्स एक ही शिकार को खाने की कोशिश कर रहे थे तो नरों ने एवा पर हमला कर दिया था। लेकिन ये देखकर अच्छा लग रहा है कि अब नोमैड्स और हॉलीवुड की मादाएं सुकून से हैं। थोड़ा बहुत गुर्राना चल रहा है, लेकिन खाने के दौरान ये आम बात है। हर कोई शिकार को खुद ही खाना चाहता है, लेकिन ये सब एक साथ खा रहे हैं, यही बढ़िया बात है। उम्मीद है कि ये मिलजुल कर एक प्राइड बना लेंगे। हॉलीवुड की शेरनियां इच्छुक मालूम होती हैं, लेकिन समय ही बताएगा कि क्या नोमैड्स ने खुद को इस आखिरी चरण के मुताबिक ढाल लिया है। मादाओं को जल्दी ही कोई फैसला लेना होगा। क्षितिज पर बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है। बारिश वाले बादल घाटी की तरफ आने लगे हैं। इनसे बरसने वाले पानी की वजह से सभी शेर शिकार के पीछे पीछे जमीनी इलाके में और आगे बढ़ते जाएंगे। इधर साउथ में स्पॉटी के पास अब ज्यादा समय नहीं है। ये फिर से अकेला है। एमके प्राइड यहां से जा चुका है और स्पॉटी को अपनी मां को देखे हुए 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। सैम को अब डर लगने लगा है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। पता नहीं वो कहां है और उसने अपने बेटे को क्यों छोड़ दिया। अब तो हमें चिंता होने लगी है कि वो आखिर गई कहाँ, बाकी बच्चे कहाँ हैं, क्या जमीनी हिस्से में और आगे कोई हादसा हुआ है। साफ दिख रहा है कि स्पॉटी बहुत भूखा है, इसे दूध चाहिए और वो इसकी माँ ही पिला सकती है। जब ये लगने लगता है कि अब इससे बुरा क्या होगा, तब कुदरत भी अपनी ताकत दिखाने लगती है। ये बारिश की पहली बौछार है और इसने पहली बार बारिश देखी है। इसकी ठंडी बूंदें स्पॉटी की खाल पर काले धब्बों की शक्ल में दिख रही है। अचानक अंधेरे में उम्मीद की एक किरण नजर आती है। ये सुराबी और उसकी एक बेटी है। और स्पॉटी इनके आने से बहुत खुश नजर आ रहा है। सुराबी का घाव अब भी भरा नहीं है, हो सकता है कि इसमें इन्फेक्शन हो गया हो, लेकिन ये हिम्मती मैट्रियार्क आराम नहीं करती। एक घंटे से भी ज्यादा तक ये रोजा और ज्यूरी को बुलाने के लिए दहाड़ती रहती है।
सोराबी इतनी जोर से दहाड़ रही है कि हमारी गाड़ी भी वाइब्रेट कर रही है, तो इससे मुझे उम्मीद भी हो रही है कि शायद माएं इसकी आवाज़ सुन लेंगी। इस समय उम्मीद के अलावा और कोई चारा नहीं है, उम्मीद नहीं रखेंगे तो और क्या रास्ता है। सोराबी कमजोर है और दर्द से बेहाल भी, फिर भी ये अपनी तरफ से काफी कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सोराबी अपने जख्म के बावजूद अपनी बेटी के साथ यहां से चल पड़ती है, शायद स्पॉटी की मां को ढूंढ रही है। स्पॉटी फिर से अकेला रह जाता है। सुबह होते होते बारिश खत्म हो जाती है, सोराबी नहीं लौटी है और अब भी माओं का कोई नामो निशान नहीं है। शायद स्पॉटी जिंदा न बच पाए, ये कड़वी हकीकत सैम को महसूस होने लगती है। उस छोटे से स्पॉटी को अकेले अब 3 दिन हो गए हैं। इसे अब भी अपनी माँ नहीं मिली है। इसे इस तरह देखकर अब भी दिल रो रहा है। इसने काफी समय से कुछ खाया भी नहीं है और काफी कमजोर हो रहा है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी माँ वापस लौट आएगी, वरना मुझे नहीं पता कि ये और कितने समय तक जी पाएगा। सैम को इस मामले में कोई दखल देने की इजाजत नहीं है और वो इस संभावित धीमी मौत की बस साक्षी ही बन सकती है। आप बस यही कह सकते हैं कि ये सब कुदरत का हिस्सा है और सिर्फ सबसे फिट ही जिंदा रहता है, लेकिन किसी छोटे बच्चे को ऐसे देखना दुखदाई है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैंने शूट करने के बारे में सोचा था। हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि माएं लौट आएंगी, लेकिन अगर बाकी का झुंड इस तरफ नहीं आया तो फिर माएं भी शायद इस दिशा में नहीं लौटेंगी। इन्होंने अपने बच्चों को जहां छिपाया है फिलहाल ये उसके करीब भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतनी दूर आने की कोई ज़रूरत होगी। और ये वाकई वाकई चिंता वाली बात है, और हाँ मेरा दिल टूट रहा है। स्पॉटी फिर झाड़ियों में दुबक जाता है। खुराक न मिलने से वो हर घंटे और कमजोर होता जा रहा है। हॉलीवुड प्राइड के इलाके में इससे पहले कि खुले मौसम वाला दौर गायब हो जाए, एवा और उसका प्राइड नोमैड्स के साथ अपने भविष्य को मजबूत करने में लगा है। अब तक के लक्षण देखते हुए लगता है कि ये नर यहीं पर रहेंगे। तो आज सुबह हमें ये नोमैड्स हॉलीवुड की मादाओं के साथ मिले। इन सबको यहाँ एक साथ देखकर अच्छा लगा। अब ये मादाएं अपने पनपते हुए इस रिश्ते को और आगे ले जाने को तैयार हैं। जीना एक नर की तरफ बढ़ती है। और यहां तो एवा भी है। ऐसा लगता है जैसे थॉर उसके साथ मिलन की कोशिश में है। एक हिचकिचाहट भरी शुरुआत के बाद पूरा दिन मीटिंग चलती रहती है और दोपहर खत्म होने तक दमदार और आत्मनिर्भर हॉलीवुड मादाओं और नोमैड भाइयों के बीच का गठबंधन मजबूत और सुरक्षित लगने लगता है। हम कई साल से हॉलीवुड की मादाओं को देख रहे हैं और पिछले 2 या 3 साल से हमने उनके आसपास नरों को नहीं देखा, तो ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हॉलीवुड की मादाएं और नोमैड्स अब अपना परिवार बसा रहे हैं। इनके लिए भविष्य सचमुच पॉजिटिव नजर आ रहा है।
क्या पता अगले सीजन तक हमें शायद इनके बच्चे देखने को मिल जाए। अगली डायनेस्टी। हॉलीवुड प्राइड की अगली पीढ़ी सुरक्षित लग रही है, लेकिन एमके प्राइड के दक्षिण में भविष्य की पीढ़ियों के आगे बहुत ज्यादा खतरा नजर आ रहा है। सैम एक बार फिर स्पॉटी को ढूंढ रही हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि झाड़ियों में जहां वो छिपा हुआ था वहां से दूर निकल गया है। इनके अंदर देखना मुश्किल है क्योंकि झाड़ियां बहुत घनी हैं। नहीं, स्पॉटी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैं और आगे की झाड़ियों को देखने आई हूँ क्योंकि हो सकता है कि वो इन पुरानी झाड़ियों की तरफ लौट आया हो। ओके, गुड लक। रोशनी तेजी से घट रही है और सैम इलाके को छान रही है। शायद उसकी आंखें दिख जाए। उन्हें इस बात की चिंता है कि बेताब स्पॉटी ने सोराबी के रास्ते पर जाने की कोशिश की होगी। ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा क्योंकि तब वो खो जाएगा और उसकी माँ को भी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है। स्पॉटी नहीं दिख रहा। सैम एक बार और स्पॉटी या माओ को ढूंढने के लिए नदी के पास जाती हैं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। उनका कोई नामो निशान नहीं है। बारिश के बाद कोई फ्रेश ट्रैक्स नहीं है। हो सकता है कि स्पॉटी इस दुनिया में ही ना हो। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि अगर स्पॉटी जिंदा ना बचा हो तो उसकी मौत झटपट हुई हो, उसे ज्यादा समय तक तड़पना ना पड़ा हो। रोजा, ज्यूरी और दूसरे चार बच्चों का गायब होना भी एक राज है जिसे सैम सुलझाना चाहेंगी, लेकिन समय हाथ से निकल रहा है। हमें जल्द ही यहाँ से जाना है क्योंकि ये पूरा पार्क बारिश के मौसम में बंद कर दिया जाता है। आखिरी बार हमें यहाँ माएँ और बच्चे नजर आ जाते हैं तो ये हमारे लिए कमाल का तोहफा होगा। हमें पता चल जाएगा कि वो सलामत है। अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश बार बार होने लगती है। यहाँ छोटे छोटे इलाकों में बारिश की काफी तगड़ी बौछारें हुई हैं और सड़क पर बड़े बड़े पोखर बन गए हैं। माएं एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से गायब हैं और सैम और नेथन उन्हें हर जगह ढूंढते हैं। हम उस इलाके में हैं जहां माएं और बच्चे अक्सर छिपे रहते थे। हम उनके ट्रैक्स ढूंढ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि माओं ने अपने कई बच्चे गवा दिए हों। तो फिलहाल हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। कई दिन की खोजबीन के बाद भी माओं और बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन नेथन को झुंड के ज्यादातर सदस्य नदी के किनारे मिल जाते हैं। हमें यहाँ पर एमके प्राइड के काफी सदस्य मिल गए हैं। यहाँ कम उम्र के शेर, किम्बर, मेया और उनके सभी भाई बहन हैं, यानी युवा और टीनेज शेर यहाँ पर हैं। मुझे लगता है ये यहाँ बखूबी शिकार करते हैं और ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वो अपने बल पर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। प्राइड को इन महारतों की वाकई जरूरत पड़ेगी क्योंकि उनका बेहतरीन शिकारी गायब है। यहाँ पर एमके प्राइड के ज्यादातर सदस्य मौजूद हैं, पर सोरा भी अभी गायब है। उसे चोट लगी थी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक होगी। सोरा भी को आखिरी बार रात में तब देखा गया था जब वो स्पॉटी की माँ को आवाज लगा रही थी। सैम और नेथन को शायद कभी ये पता न चले कि क्या वो उसके अपने झुंड को बचाने की आखिरी कोशिश थी। बदकिस्मती से अब सीजन खत्म हो रहा है तो इस सवाल का जवाब तो वक्त ही बताएगा। अगले 6 महीनों तक हमें जवाब नहीं मिलेगा।
अब टीम के लिए यहां से जाने का समय हो गया है। सैम आखिरी बार चार बचे हुए बच्चों को ढूंढने निकलती है। स्पॉटी को आखिरी बार देखे हुए कई दिन हो गए हैं। मैंने ये बात स्वीकार कर ली है कि वो नहीं बचा है। अगर माएँ और बच्चे इतने समय तक नजर ना आए तो फिर सवाल उठने लगता है कि वो कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ। लेकिन तभी ओह, शायद मैंने कुछ देखा है। कुछ दूरी पर हलचल नजर आती है। ओह, मुझे बच्चे नजर आ रहे हैं। ये दो हैं, दो बच्चे खेल रहे हैं। तीन, चार, अभी तक चार बच्चे दिखे हैं। ये स्पॉटी है क्या? शायद ये स्पॉटी ही है। ओह माय गॉड, यहाँ पांच बच्चे दिख रहे हैं। तमाम बाधाओं के बावजूद स्पॉटी ने अपनी माँ को ढूंढ लिया है। ओह स्पॉटी, आज की सुबह तो वाकई सबसे ज्यादा हैरतअंगेज रही। हमें यहाँ पांच बच्चे मिल गए हैं। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता था कि ऐसा हो सकेगा, लेकिन न जाने कैसे इन माओं ने इस बच्चे को ढूंढ लिया है। अब ये फिर अपनी माँ के साथ है और मुझे खुशी हो रही है। मुझे वाकई यकीन नहीं हो रहा। स्पॉटी एकदम चुस्त तंदुरुस्त लग रहा है, मोटा ताजा है, सेहतमंद लग रहा है और ये बाकी बच्चों जैसा दिख रहा है। ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सोराबी का शुक्रिया करना चाहिए कि उसने स्पॉटी की देखभाल की, उसकी ग्रूमिंग की, उसकी माँ को पुकारा, ये अंदाजा दिया कि नन्हा स्पॉटी कहाँ है। इसने कमाल का काम किया। न सिर्फ सभी बच्चे सूखे के इस मौसम के अंत तक जिंदा रहे हैं, मैं जज्बाती हो रही हूँ, बल्कि आखिरकार अब ये अपने पिताओं से ठीक से मिल भी लिए हैं। पंक्स इनके साथ हैं और ये एमके प्राइड की अगली पीढ़ी की निगरानी कर रहे हैं और ये दाखिल हो रहे हैं लुआंगवा वैली के एक नए अध्याय में। अगर ये बच्चे स्पॉटी जितने ही ताकतवर निकले तो ये जरूर जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये भी तमाम बाधाओं के बावजूद जिंदा रहा। कई महीनों तक शेरों का पीछा करने के बाद अब नेथन और सैम को यहाँ से जाना होगा। यह कमाल का सीजन रहा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, हमें बच्चे मिल गए हैं जिसकी उम्मीद हम खो बैठे थे। नए शेर आए और इन्होंने सारे ब्राइड्स को यहाँ खूब दौड़ाया। हाँ, उम्मीद करनी चाहिए कि हॉलीवुड की शेरनियाँ नोमैड्स के साथ ही रहेंगी और हाँ। मैं उनके बच्चों को देखना चाहूंगी। मैं भी। ये सीजन तो एकदम अनोखा रहा और अब मैं अगले सीजन को देखने के लिए बेताब हूँ।